और यहाँ पे कुछ भीड़ नहीं होगी, तो भाई 1 लाख से ज्यादा बंदे यहाँ पे लाइन के लिए लगे हुए हैं। दोस्तों पुजारी जी मंदिर प्रांगण के अंदर पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर और फिर गेट खुल जाएंगे। भाई मैंने कभी सोचा नहीं था भाई केदारनाथ आके ना इतना इमोशनल होके जाऊंगा। चिंगारिया ये जो मेरे हां जी भाई लोग गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके और नए वाले व्लॉग में आपका स्वागत है। तो भैया आज है आपका 10 मई, तो 10 मई को जो है ना केदारनाथ के कपाट खुलने वाले थे, तो अभी इस टाइम में हूँ आपका भैया केदारनाथ घाटी में। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है बाबा जी के दरबार से, तो दोस्तों हर हर महादेव। बाकी यहाँ का कुछ सुंदर सुंदर सा नजारा देखो दोस्तों, यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है। आज ना दर्शन होने भाई मुश्किल है, लोगों ने भाई यहाँ पे 12-12 बजे से ना पहरा मार दिया था महादेव जी के कपाट खुलने के लिए, भाई वेट कर रहे थे 12-12 बजे से, तो सारे लोगों की यहाँ पे भाई इतनी ज्यादा भीड़ है। और यहाँ पे कुछ भीड़ नहीं होगी, तो भाई 1 लाख से ज्यादा बंदे यहाँ पे लाइन के लिए लगे हुए हैं। भाई ये लाइन ना 3 से 4 किलोमीटर तक लगी हुई है, यहाँ से यहाँ देखो वहाँ देखो, चारों तरफ भाई लाइन ही लाइन लगा रखी है। और हम लोगों ने ना भैरव मंदिर के भी दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि भाई हम लोग ना सुबह सुबह गए थे यहाँ से, वो ऊपर तक देख रहे यहाँ है मंदिर। दोस्तों यहाँ पे देखो इतने सारे टेंट लगे थे, और ऊपर देखो भाई चमकते हुए बर्फ की पहाड़ियाँ, और हमारा टेंट रहा कुछ ये। दोस्तों यहाँ पे ज्यादा क्या चलता है ना, कांटेक्ट चलता है, कांटेक्ट। जैसे दर्शन के लिए किसी को जाना हो ना, अगर उसकी अच्छी पहुंच हो, अगर उसकी अच्छी बातचीत हो, तो एक कॉल में मतलब हो जाता है उसका काम। तो हम जैसे लोग ना यहाँ पे छूट ही जाते हैं भाई हमेशा पीछे ना। तो चलो दोस्तों चलते हैं मंदिर की तरफ और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं महादेव जी के। पुजारी जी आने वाले हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा भाई वहाँ पे आर्मी पहुँच चुकी है और वहाँ पे सब लोग तैयार है स्वागत के लिए, और आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। आने वाले 6 महीने आप लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों पुजारी जी मंदिर प्रांगण के अंदर पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी देर और फिर गेट खुल जाएंगे।
लगे हैं उसका उद्घाटन करेंगे मैं सभी बाबा केदार। सारा सामान पैक कर दिया है और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और महादेव जी को बाय बाय करते हुए बोलो हर हर महादेव। लेकिन यार भाई सच्ची बता रहा हूँ भाई, जाने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें यार, है ना, जाना पड़ेगा। लास्ट 1% बैटरी रह गई है। सोचा नहीं था भाई केदारनाथ में आके ना इतने इमोशनल होके जाएंगे घर को, है ना। पर कोई नहीं यार, हर हर महादेव, जल्दी आएंगे अगर महादेव जी ने चाहा तो दोबारा। देखो भाई दर्शन के लिए ना यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, बीच में गैप बना दिया, पुलिस वालों ने रोक दिए हैं सब लोग ना भाई, 1 बजे रात 2 बजे रात से, और यहाँ पे इतनी भीड़ है, मतलब लोग धक्का मुक्की अलग ही कर रहे हैं। देखो वहाँ कैसे चल रहे हैं, देखो भाई पब्लिक ने इधर। पुलिस वाले रोक रहे हैं लेकिन भाई पब्लिक ना नहीं रुकेगी, है ना, फिर भी जा ही रहे हैं। वो देखो भाई धक्का मुक्की चल रही है। हमारे पास बजट भी नहीं पड़ा इतना और रात को भाई रुक भी नहीं सकते। हमारे टेंट के अंदर ऑलरेडी भाई इतना ज़्यादा पानी आ गया था कल रात को भी, फिर भी हम रुके थे। सच्ची में भाई मैंने कभी सोचा नहीं था भाई केदारनाथ आके ना इतना इमोशनल होके जाऊंगा। और ये देखो दोस्तों जो महादेव जी का ओम बना ना, ये रहा सामने आपका। फिलहाल राहुल भाई लोग गए हुए हैं प्रसाद लेने।